इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला है हमारा एक्टिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, फ्यूचर सिंपल हो, या कोई भी कंटिन्यूस हो, या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या कोई भी परफेक्ट टेंस हो, तो हमें किस तरह से परिवर्तन करना होगा तो हम देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा है वर्ब में परिवर्तन यानी क्रिया में परिवर्तन, तो ये है प्रेजेंट सिंपल हो तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का यूज करना है। उसी तरह से पास्ट सिंपल हो तो हमें वाज और वर्ब में से किसी एक का यूज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस हो हमें बी का यूज करना है। यदि मैं सीधा से ये कहूँ मॉडल्स हमारे पास है तो मॉडल्स के साथ हम यूज कर लेंगे बी का। उसी तरह से लेट है, एल ई टी, लेट के साथ भी बी का यूज किया जाता है। ऑल कंटिन्यूस, जितने भी कंटिन्यूस हमारे हैं यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में या बेस्ट फॉर्म में जब हम आई एन जी का यूज करते हैं तो हमें वो आई एन जी को बदलना होगा बींग में। उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस है, वहां भी आई एन जी फॉर्म होती है तो आई एन जी को बींग में कन्वर्ट करना होगा। उसी तरह से परफेक्ट टेंस है, वहां पे हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमें देखने को मिल जाएंगे हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट की तो वहां पर हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। उसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे विल हैव है, शैल हैव है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो जितने भी पास्ट पार्टिसिपल होंगे उनके पहले यदि हैज और हैव हैड है तो हमें यूज करना है बीन का, बी डब्ल्यू एन जिसे हम कह सकते हैं। उसी तरह से हम कुछ फिक्स प्रिपोजिशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उस तरह से हमें सबसे पहले दो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है जैसे हमारे पास है अलार्म, अलार्म तो इसके साथ हम ईडी का ऐड करेंगे यानी इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना देंगे तो उसके साथ हमें यूज करना होगा एट का, तो ये हो जाएगा अलार्म्ड एट। उस तरह से हमारे पास है एस्टोनिश, एस्टोनिश का भी यदि आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे तो आपको ईडी मुख्य क्रिया के लास्ट में अंत में आपको रखना पड़ेगा तो एस्टोनिश एट हो जाएगा। उसी तरह से और वर्ब्स हैं जिनके साथ हम एट का यूज करेंगे, डिसअपॉइंट इसके साथ भी एड का यूज होगा, डिस्ट्रेस्ड है इसके साथ भी एड का यूज होगा, शॉक्ड है इसके साथ भी एड का यूज होगा, सरप्राइज है उसके साथ भी एड का यूज होगा। उसी तरह से नंबर तीन पे हम बात करेंगे ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम टू का यूज करेंगे, वो है नॉन टू, ऑब्लाइज्ड टू। उसी तरह से विद है, विद का हम यूज करेंगे, डिसप्लीज्ड विद हो जाएगा, डिसगस्टेड विद हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड विद हो जाएगा, प्रेस्ड विद हो जाएगा, फील्ड विद हो जाएगा, एफ आई डबल एल ई डी फील्ड विद हो जाएगा। उसी तरह से डेकोरेटेड विद हो जाएगा, थ्रोंगड विद हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास है नंबर पांच पर हम कंटेंट इन, और उसी तरह से है इंटरेस्टेड इन। उसके बाद में नंबर छह पे हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, इफ देर इज को रेफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, that is when there are reflexive, reciprocal or possessive pronouns in the noun phrase as object, we cannot change a sentence into passive voice. तो जैसे कि हम देख सकते हैं reflexive pronoun है या reciprocal pronoun है या possessive pronoun है, यदि इनका active voice में use किया गया है तो हम इनकी passive voice convert नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं reflexive की। reflexive में ये होता है कि हम सेल्फ का यूज करते हैं या सेल्व्स का यूज कर सकते हैं जो हमारे प्रोनाउन होता है। जैसे हम बात करें यदि हिम सेल्फ की, हर सेल्फ की, देम सेल्वेज की, आवर सेल्वेज की, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। उसी प्रकार हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे ईच अदर है, वन अनदर है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कैटेगरी में चले जाएंगे। और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन की बात हम करें यदि ऐसा हो हिज वाइफ हो, हर होम हो, योर बुक हो, तो ऐसे पजेसिव केस हैं तो हम इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कमल डज नॉट, कमल डज नॉट बीट हिज वाइफ, कमल डज नॉट बीट हिज वाइफ। यदि हम इसको सेंटेंस को यदि ऐसा लिख देंगे हिज वाइफ इज नॉट बीटन बाई
कमल, तो ये सेंटेंस का अर्थ है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हम पजेसिव प्रोनाउन है उसको भी हम नहीं बदलते हैं। और नंबर 7 पे है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखना है, यदि एक्टिव वॉइस में हैव है मतलब किस चीज को रखना, किस चीज का पोजीशन होना, किस चीज पे हमारा स्वामित्व तो होना, कोई चीज हमारे अधिकार में होना, वो हैव है, तो हम उसका भी यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब हम उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। उसी तरह से हमारे पास लेक है, फिट है, शूट है, रिजेंबल है। रिजेंबल का मतलब होता है के सदृश्य दिखाई देना, के जैसा, के समान दिखाई देना, वो होता है रिजेंबल। उस तरह से हमारे पास गेट है। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, ये मुख्य रूप से स्टेटिव वर्ब्स में आती हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हुए भी हम इनको नहीं बदल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है और हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें हम एग्जाम्पल भी देंगे और एग्जाम्पल को फिर क्लियरिफाई भी करेंगे। तो आप जरूर देखें नेक्स्ट वीडियो।